सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? मेरी आवाज़ सुनकर मुझे पहचाने? अरे वाह, आपने तो मुझे पहचान लिया। हाँ, मैं डहाटे मैम आपका तीसरी कक्षा में स्वागत करती हूँ। मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। हमारे हिंदी विषय की दो पुस्तकें हैं, एक है कनक हिंदी व्याकरण और दूसरा है भाषा मणि। आज हम भाषा मणि का लेंगे पहला पाठ। पहला पाठ में है हमारी कविता। पहला पाठ में हमारा क्या है? कविता। कविता में है हमारा वंदना। सबसे पहले आप पेंसिल निकालिए। हो गए निकाल के? चलो तो ऊपर लिखते हैं कक्षा कार्य। कक्षा कार्य लिखिए, तारीख लिखिए और दिन लिखिए। हो गया सबका लिख के? चलो अब हम वंदना पढ़ते हैं। यह सारा संसार ईश्वर ने बनाया है, आओ उनकी वंदना करें। ये जो हमारा संसार है किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है, उनकी वंदना करते हैं। भगवान हमको वर दो ऐसा, हम में ऐसी शक्ति हो, करे सदा हम पर सेवा, बल बुद्धि और भक्ति दो। हे भगवान, हमको ऐसा वर दो, हम में ऐसी शक्ति दो कि हम दूसरों की सेवा कर सके, हमारे मन में बल बुद्धि और भक्ति दो। कटु वचन से दूर रहे हम, मृदु वचन ही कहे सदा, झुटकी हम पर पड़े न छाया, सत्य वचन ही कहे सदा। कड़वे वचन से हम हमेशा दूर रहे, मृदु वचन ही सबसे कहे, हमारे ऊपर झुटकी छाया नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा हम सत्य वचन ही बोले। भेदभाव से दूर रहे हम, करे सभी को प्यार सदा, हमेशा हम भेदभाव से दूर रहना चाहते हैं, सभी को प्यार करना चाहते हैं। मिले जुल कर रहना सीखे, कष्ट दुखियों के हरे शब्द, हमेशा हम एक साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं और दुखियों के दुख दूर करना चाहते हैं। जिस धरती पर जन्म लिया हम, उस पर हो बलिदान सदा, जय भारत माता, जय भारत कहे सदा। जिस धरती पर हमने जन्म लिया है उस पर हम बलिदान देना चाहते हैं, हमेशा भारत माता के हम जय जयकार करना चाहते हैं, हमेशा हम भारत माता का ही गुणगान गाना चाहते हैं। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।